और यू आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। ये रहा मेरा दूसरा ब्लॉग और जिम आ चुका हूँ। आपको चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा होगा क्योंकि अभी सैनिटाइज किया गया है जिम को। फॉग सैनिटाइजर बोला जाता शायद उसी से किया गया है। अभी फॉग सैनिटाइज किया गया अभी। और आज हम लगाने वाले चेस्ट ट्राइसेप्स, बस चेस्ट और ट्राइसेप्स, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने भी चेस्ट लगाया था, और ट्राइसेप्स मैंने दिखा नहीं पाया, फिर चेस्ट दिखाया और आज लगाएंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स। आज मैं फिर अकेला हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। तो गाइज एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिर आप हैवी वेट मारोगे, फिर इसके इंजरी होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए बॉडी को पहले ही इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए कि हाँ तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा बैंड बजने वाला है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलो आप एक्सरसाइज के बाद। सॉरी एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, चलो एक्सरसाइज भी देख लो। चलो ठीक, सॉरी बेंच प्रेस से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेट, बेंच प्रेस से स्टार्ट करेंगे बेंच प्रेस। फिर उसके बाद तीनों बेंच मारेंगे, बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, तीनों आपको दिखाएंगे। आप मजे करना है, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरा जो यूट्यूब है, ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग जो बोलना बोलो, है ना, पसंद आ रहा होगा। मैंने अपना हुडी उतार दिया है और वेट भी बढ़ चुका है तो मजा आएगा। अब प्रेस हो चुका है, अब हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस चार सेट लेंगे, फिर इसके बाद डिक्लाइन। जल्दी जल्दी सेट कंप्लीट करता हूँ क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लग चुके हैं और आपको पता ही लॉकडाउन चल रहा है। आई होप आप लोग सब हेल्दी होंगे, हेल्दी और सेफ रहना आप लोग। चेस्ट प्रेस हो गया था, अब मैं डिक्लाइन चेस्ट प्रेस लगा रहा हूँ। ये रहा सेट, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाने के बाद फिर इसके बाद चेस्ट प्रेस लगाऊंगा, बैक डक और पुल ओवर खत्म। चेस्ट मेरा कंप्लीट और ठंड लग रहा था इसीलिए हुडी पहन लिया, ठीक है। और ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, आप इंजॉय करो। डिक्लाइन चेस्ट प्रेस हो गया था, अब मैं बैक डक लगा रहा हूँ। अकेले में वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बहुत मेहनत का काम है। आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो भाई, जो अच्छा लगे वो कमेंट करो, अच्छा बुरा। आप लोग के कमेंट की वजह से मोटिवेट होऊंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा, इससे भी बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। अकेला हूँ, बहुत मेहनत लगता है शूट करने में भाई, अकेला हूँ।
भाइयों मेरा पैक टैक भी कंप्लीट हो गया है अब, जिसको आप लोग बटरफ्लाई बोलते हैं। और अब मैं लगाने जा रहा हूँ पुल ओवर आर्नोल्ड ओल्ड स्कूल वीडियो देखे होंगे आपने, तो उसमें आर्नोल्ड लगाता है पुल ओवर, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। चलो आप इंजॉय करो, बाय बाय। फाइनली मैं चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अब मैं ट्राइसेप्स लगाऊंगा। ट्राइसेप्स के चार या पांच एक्सरसाइज बस ख़त्म। चलो ट्राइसेप्स के बाद मिलते हैं आपको। भाई ट्राइसेप्स के दो एक्सरसाइज हो चुके थे जो मैंने जल्दी जल्दी किया, शायद आपको नहीं दिखा पाया, आपको दिखाई नहीं पाया सॉरी। उसके मैंने जल्दी जल्दी एक्सरसाइज के कारण मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अभी मैं ले रहा हूँ इसके अल्कल्सर के बाद फिर उसके बाद हाँ सॉरी हाँ किक बैक से पहले कुछ और लेना था, वो भूल रहा हूँ, वो याद आता तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है भाइयों, चलो एक्सरसाइज देख लो आप। कल का चल हो चुका है और अब लगाने वाले हैं रिवर्स केबल पर। रिवर्स शायद आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं दिखा दूंगा। आपका भाई यहाँ पर है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। आर्म्स का साइज घड़ी है क्या? घड़ी है भाई, फीवर जो है ना अच्छे को सुला देता। ट्राइसेप्स का लास्ट एक्सरसाइज किक बैक लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स का। चलो आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, चेस्ट और ट्राइसेप्स का मैंने वीडियो बना लिया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जो करना भाई, गर्दा उड़ा दो वीडियो का, गर्दा बवाल। बहुत मेहनत करता भाई, अकेले शूट करना बहुत मुश्किल है।